नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल होने वाली है और आपके लिए ये सीरीज बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यार देखो आप सबको पता है कि मैक्सिमम जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं वो पीसीएम वाले होते हैं ना, तो बायोलॉजी का नाम सुनते हैं उनके लिटरली लग जाते हैं बुरे वाले कि यार बायो कैसे पढ़ेंगे। तो जितने लोग मुझे जानते होंगे कि मैं एसओ बायोलॉजी हूँ ऐसे नहीं कहना चाहता, बिकॉज मैं बिल्कुल पीसीएम वाले बच्चों को ही बेसिक से एडवांस सिखाता हूँ। तो इसी को हम लोग एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पे काफी सारी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स डाल रखी है, उसी तरीके से अब मैं आपको बायो को याद करने के लिए भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की मदद से आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, ताकि आपको बायो का भी क्या हो बिल्कुल आप भी एस बन जाओ। ठीक है, तो इस पूरी क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उन क्वेश्चन को आप ट्रिक्स से कैसे टैकल कर सकते हो उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ ताकि आप पूरी की पूरी सीरीज का अच्छे से फायदा उठा सको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एनडीवन 2018 में आपका एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हायर टू लोअर। आप सबको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम लोग हायर टू लोअर क्लासिफाई करते हैं सिमिलर चीजों में। जैसे हमने किया था एक लिविंग और एक नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है कि लिविंग में लाइफ प्रोसेस होती है, उसमें सेल होता है, फिर लिविंग को हम सबसे पहले बोलते हैं यार ये प्लांट्स है, फिर ये आपके एनिमल्स है, फिर एनिमल्स में हम लोग फाइलम लेके आते हैं, ये वर्टिब्रेटा है, ये इनवर्टिब्रेटा है ना। तो कुल मिलाकर ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम नहीं समझेंगे। हमें बोला गया था कि सबसे बड़े से सबसे छोटे क्लासिफिकेशन में लगा दो, तो लगा दो, क्या दिक्कत है। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है। देखो सबसे बड़ा जो फाइलम होता है, बेसिकली माफी चाहूंगा टैक्सन होता है, वो होता है किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, देखो एक लाइन मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम लोग कहते हैं कीप पॉन्ड्स क्लीन, ठीक है, यानी कि तालाब को स्वच्छ रखो, मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है। तो कीप पॉन्ड्स क्लीन और या फिर फ्रॉग गेट सिक, ठीक है, तो फ्रॉग गेट सिक इसका मतलब तालाबों को साफ रखो वरना आपके मेंढक बीमार पड़ जाएगा। आई नो इट्स लिटिल बिट फनी, बट इसको याद करने से आपको होगा क्या, तो आपको पता चलेगा कीप के के से जो किंगडम होता है वो सबसे बड़ा टैक्सन होता है, पॉन्ड्स के पी से आता है फाइलम, क्लीन के सी से आता है क्लास, और के ओ से आता है ऑर्डर, फ्रॉग के एफ से आता है फैमिली, जी से आता है जीनस और एस से आता है सिक। तो इससे आपका आंसर देखो कितना इजी निकल जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कल यानी कि 25 जुलाई को 4 PM पे अनअकैडमी के द्वारा एक चैंपियनशिप एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है जो कि बायलैंग्वल में होगा, ठीक है। तो आप इस एग्जाम में अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप पार्ट ले सकते हो, जिसमें टॉप 10 बच्चों को क्या दिया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें रैंक वन को 100% फ्री मिलेगा, सेकंड और थर्ड को 75% मिलेगा, 4 to 6 रैंक को 50% और 7 to 10% को 25% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें क्लिक करके आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आपको अनअकैडमी प्लस के प्लस सेक्शन पे जाना है, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने कुछ प्राइसेस लिखे हुए आए हैं। फॉर एग्जांपल 1 month का आपको 1600, 3 month का 4000, 6 months का 6400 एंड 24 months का 9600 है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बात करता हूँ तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हैव अ रेफरल कोड, इस पर अगर आप क्लिक करते हो और मेरा रेफरल कोड जो कि है विहान लूथरा VIHAANLUTHRA इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो 24 मंथ का जो आपको मुश्किल से 400 पर मंथ पड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 350 पर मंथ के आसपास पड़ जाएगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जितने मंथ का आपको प्लान लेना है उस पर क्लिक कीजिए और फिर पेमेंट ऑप्शन पे जाके जिस पेमेंट मेथड से आप चाहो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। कि सबसे बड़ा टैक्सन आता है किंगडम, आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, उसके बाद पॉन्ड्स का फाइलम, फिर क्लीन का क्लास, फिर और का ऑर्डर, फिर फ्रॉग का फैमिली, फिर जी का गेट का आपका जीनस और एस फॉर क्या आएगा स्पीशीज। तो इस तरीके से आप लोग अपना पहला आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो योर राइट आंसर इज ए। अब अगला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग देखते हैं, आशा करते हो आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही होगी। ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि जो बायो का हुआ है ना यार एनडीए एस्पिरेंट्स के अंदर से वो पूरा का पूरा निकल जाए और आप फाड़ के रख दो बायो में, ठीक है, क्योंकि सच में बायो से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना यार जिसमें मतलब क्या बोल दो यार, फ्री के मार्क्स है। अगला देखिए,
sugarcane is one of the most important cash crop in India. It is obtained for, ठीक है, it is grown to obtain. देखो यहां पर मैं आपको एक तीन चीज बताऊंगा. पहली चीज, अगर मैं बात करता हूं मिल्क के बारे में, यानी कि दूध के बारे में. अब सबको पता है, अगर हम एक मम्मा के बारे में बात करते हैं, जो एक मम्मा के अंदर मिल्क बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जानते हैं लैक्टेशन के नाम से. जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं. अगला देखिए, अगर मैं आपको बात करता हूं शुगर केन के बारे में, ठीक है, शुगर केन, शुगर केन का मतलब क्या होता है? गन्ना. बहुत बढ़िया. और तीसरा हमारा क्या होता है, अगर हम बात करते हैं हनी के बारे में, तो अब तीनों के बारे में याद करने का बहुत सिंपल तरीका है. मिल्क का मतलब होता है लैक्टेशन, और लैक्ट से ही आपको क्या याद रखना है कि दूध में पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट शुगर जो होती है वो होती है लैक्टोज, ठीक है. अगला देखो, अगर मैं शुगर केन की बात करता हूं तो सू फॉर शुगर केन, और सू फॉर ही क्या होता है? सुक्रोज होता है. होता है कि नहीं? लेकिन वही मैं हनी के बारे में बात करूं तो आपने देखा होगा एड्स में कैसे दिखाते हैं हनी को, मस्त फ्रूट्स के ऊपर डाल के खाते हैं ना. तो हनी को हम लोग क्योंकि फ्रूट्स के साथ खाते हैं, तो फ्रूट्स का जो फ्रू होता है उससे आपको क्या याद आएगा? फ्रुक्टोज, ठीक है. तो याद रखना किस किस में कौन सी शुगर प्रोडोमिनेंट होती है. तो अगर हमसे पूछा गया है शुगर केन के बारे में, तो शुगर केन में क्या पाया जाएगा? सू फॉर शुगर और सू फॉर सुक्रोज, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको देखता हूं तो ये क्वेश्चन आपका दरअसल प्रैक्टिस सेट का है, और बहुत पहले पूछा गया था, मुझे ईयर याद नहीं है. सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? देखो इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा फनी है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है. देखो मैंने क्या बोला, इसका राइट आंसर होता है नेक्रोसिस, ठीक है. अब नेक क्रोसिस का मतलब क्या होता है? नेक मतलब क्या होता है? गर्दन. और क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस, मरोड़ देना. तो आपने क्या किया? गर्दन को मरोड़ दिया. अगर आप किसी की गर्दन मरोड़ोगे तो क्या वो जिंदा बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा. देखो मैंने इसलिए कहा था, ट्रिक्स कुछ नहीं होती, ट्रिक्स ये होती है जिससे आपको चीजें याद रहे. और जिस एज में आप लोग हो ना, उस चीज में आपको ऐसी चीजें काफी ज्यादा दिमाग में रहती है. अच्छा गर्दन मरोड़ दो मतलब मर गया. तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? नेक क्रॉसिस. नेक को क्रॉस कर दिया यानी कि गर्दन को मरोड़ दिया, और गर्दन मरोड़ दी मतलब मर गया, ठीक है. तो सेल और टिश्यू डेथ जो होती है विद इन अ लिविंग बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं. तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. देखो ये बोल रहा है ग्लाइकोजेनेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है. देखो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको समझने के लिए एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम लोग जानते हैं मेटाबॉलिज्म के नाम से, ठीक है. तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आपने कितनी बार देखा होगा आपकी मम्मी क्या बोलती है कि यार तू पतला हो जा रहा है, तेरे को खाना नहीं लग रहा क्या? अब खाना ना लगने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समझो यार मैं खाता हूं सेब खाता हूं, मैं केला खाता हूं, मैं चिकन खाता हूं, मैं कुछ भी खाता हूं, तो क्या मैं बोलता हूं देखते मेरे डोले में कि मेरे को चार सेब की शक्ति दिख रही है? नहीं, क्योंकि खाना जो होता है वो एक ऐसी चीज होती है जिसको मेरी बॉडी समझती नहीं है. उस खाने को ब्रेक डाउन होना पड़ता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में जिसको मेरी बॉडी समझ सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने खाया आलू, क्या मेरी बॉडी आलू समझती है? नहीं समझती. लेकिन जब आलू ब्रेक डाउन हुआ तो उसके अंदर से मुझे क्या देखने को मिला? कार्बोहाइड्रेट्स मिले. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज है जो मेरी बॉडी समझती तो है लेकिन उसका यूज नहीं कर सकती. तो कार्बोहाइड्रेट फर्दर ब्रेक डाउन होता है शक्कर में, जिसको हम शुगर कहते हैं, ठीक है. तो ये जो बेसिकली शुगर है कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की होती है. पहली होती है जिसको हम लोग जानते हैं मोनोसैकेराइड, जो कि सबसे सिंपल शुगर होती है. फिर होती है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं, और तीसरा आता है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड या फिर ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है. अब मोनोसैकेराइड का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो होता है वो सबसे ज्यादा सिंपल शुगर होती है. डाइसैकेराइड का एग्जांपल देता हूं तो मैं बोलता हूं माल्टोज, जो कि बेसिकली आपका ब्रेक डाउन होने पे ग्लूकोज देती है. और पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर होती है. तब एक चीज आपको समझनी है कि कुल मिला के मेरी बॉडी इतनी आलसी है कि वो सिर्फ सिंपल शुगर को ही समझती है, यानी कि ग्लूकोज को ही समझती है. तभी आपने देखा कभी भी आप लो एनर्जी मोड में होते हो, आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो आपको ड्रिप चढ़ा देता है, ग्लूकोज चढ़ा देता है ना, क्योंकि मेरी बॉडी सिर्फ ग्लूकोज समझती है. अब देखिए अगर मेरी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यानी कि एक्सेस ग्लूकोज हो गया, तो वो जाकर कहां स्टोर होता है? समझिएगा, ये जो ग्लूकोज होता है आपस में कंबाइंड होता है, और जब ये ग्लूकोज आपस में कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है? वो बनाता है ग्लाइकोजन. तो क्या मेरी बॉडी ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब कर सकती है? बॉडी ग्लाइकोजन को समझती है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ना, और ये जाकर स्टोर हो जाता है लीवर में.
तो यही प्रोसेस होता है जब एक्सेस ग्लूकोज आपस में मिलकर कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन इनकेस मान लीजिए कि आपकी बॉडी में क्या हुआ, ग्लूकोज की कमी हो गई, तो ये ग्लाइकोजन जो जाकर लीवर और मसल्स में स्टोर हुआ है, वो ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी कि टूटता है और क्या देता है आपको, सिंपल ग्लूकोज देता है। क्या देता है, सिंपल ग्लूकोज, है ना। तो आप सबको पता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यही दो एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिए, क्योंकि अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म होता है दो टाइप का। पहला होता है जिसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म को याद करने की आपकी ट्रिक क्या है, कैटाबॉलिज्म। और काटा का मतलब क्या होता है, जब हम एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को काट देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ग्लाइकोजन क्या था, कॉम्प्लेक्स था, बिल्कुल। और शुगर ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज आपका सिंपल था। तो जब हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस में काट दिया तो बेसिकली क्या होता है, वो आपका होता है कैटाबॉलिज्म। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, जब सेकेंड टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म, यानी कि जब दो सिंपल लोग, सिंगल लोग लाइफ में आते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या होते हैं, मिंगल होते हैं, तो उनकी लाइफ क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो देखो ग्लूकोज क्या था, सिंपल था, ग्लूकोज क्या था, सिंपल था, आपस में मिले तो क्या कर दिया, इसने कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो जब सिंपल चीजें आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाती है तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, यानी कि एनाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोजेनेसिस किसका प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस है एनाबॉलिज्म, यानी कि एनाबॉलिज्म। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी की सारी ट्रिक्स आपने बहुत अच्छे से सीखी होगी। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि आप सब लोग एक साथ एस ऑफ बायोलॉजी बन जाएं। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी अगर आप और वीडियो चाहते हो तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट बिलो कि आपको और वीडियोस चाहिए, इस सीरीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ताकि मैं आपके लिए पूरी एक सीरीज निकाल के ला सकूं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको जिस चैप्टर की ट्रिक्स पहले चाहिए वो भी लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।